आपके और आपके कंपनी के खिलाफ हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट है। अगर आपने राधे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी और अगर आपने उसे पटर्निटी लीव की सैलरी नहीं दी तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है, आपकी जंगी में डर जाऊंगा? अब एक काम कीजिए, आप टमाटर खाइए और निकलिए। अमन नहीं खाना हमें टमाटर खीरा। एक बार और टमाटर खीरा बोलो तो टमाटर और खीरा की तरह छील के रख देंगे तुमको। 24 घंटे तुम्हारे पास मिस्टर मानव, डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी नौकरी हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं। सोच लीजिए, हम कल फिर आएंगे। चलिए। हेलो 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 बुलबुल पांडे जी, क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हाँ, सॉरी मैडम सर। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं मैडम सर, जाने दीजिए। आप इतने दिनों के बाद आई हैं थाने में, हम फिर से अगर वो आइडियोलॉजी का पुराना खटराक लेके बैठ जाएंगे तो जमेगा नहीं। बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बताइए, हम सुन रहे हैं। मैडम सर, एक तरफ आप कहती हैं कि आपको हम पे बहुत नाज है, जब आप नहीं थी तो बहुत अच्छे से केस हैंडल किया, हम अकेले थाना संभाल सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप हमको टोक टोक कर ये भी जताती हैं कि हमको तरीका नहीं है बात करने का। आपने मानव के सामने हमें 2-3 बार टोका, हमको नहीं अच्छा लगा मैडम सर। अगर हमने केस अपने तरीके से हैंडल किया होता तो अभी तक ये केस रफा दफा भी हो गया होता, लेकिन नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है हम। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमें आप पर पूरा भरोसा है। नहीं है मैडम सर, आपको तो यही लगता है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, गलत ही करते हैं। अरे करिश्मा सिंह, जरा संभल कर, अभी अभी अस्पताल से आए हैं, आप वापस भेजना चाहती हैं? हमारा ड्राइविंग पे भी ट्रस्ट नहीं है मैडम सर आपको। ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह। एक काम कीजिए ना मैडम सर, आप आइए, आप ड्राइव कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप प्लीज चलाइए, हमें नहीं चलाना। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा ड्राइवर है और हम बहुत घटिया ड्राइवर है। आप आइए, आप ड्राइव कीजिए। क्या करें हम आपका करिश्मा सिंह। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद आपको कभी नहीं टोकेंगे, ठीक है? और अगर टोकेंगे भी तो बहुत सोच समझ कर, माफ कर दीजिए। स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। मैडम सर, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। मिल तो जाना चाहिए आसपास, लगाइए जरा फोन। करिश्मा सिंह जी, बिगड़ गई। अबे देख के जरा। सॉरी सर। भई आपके देवर जैसी है आपकी गाड़ी, कब कहां कैसे बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। गाड़ी तो बंद हो गई आपकी, हैरानी है थाना अब तक कैसे खुला है। बुलबुल पांडे। अच्छा तो आप हैं? जी हाँ, हम हैं। भई इनसे तो पहले भेंट हो चुकी है, शायद आप है SHO नंबर 2। एक मिनट, SHO नंबर 1। हसीना मलिक। शत प्रतिशत सर। कुछ बात है क्योंकि जज्बात है वाली। भाई बहुत सुना है आपके बारे में, कब आई आप अस्पताल से, स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है, माई सेल्फ बुलबुल पांडे, SHO गोमती नगर पुलिस स्टेशन। अब कहीं छोड़ दे आपको? आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, हम उसी तरफ जा रहे हैं, महिला पुलिस थाना। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? वही कंप्लेंट आई है।
किसके खिलाफ कंप्लेंट आई है? आप दोनों के खिलाफ। महिला पुलिस थाना। करिश्मा सिंह जी, हमें लगता है कि ये बुलबुल पांडे जरूर कुछ खराबात करने वाला है, इसलिए अब जरा ठंडे से काम लीजिए, हम हैंडल करते हैं। मैडम सर, अभी आपने हमको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रोकेंगी टोकेंगी नहीं। आपने विश्वास जताया है कि हम भी केस अपने तरीका से जिम्मेदारी से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर अच्छा होगा आप अपने वादे पर कायम रहे और हमें इस बुलबुल पांडे से निपटने दें। ठीक है, हम नहीं टोकेंगे, आप हैंडल करिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। भाई बड़ा तमन्ना था महिला पुलिस थाना देखने का, आज पूरा हो गया। पहले बता दिया होता तो टिकट लगवा लेते, हमारा मेंटेनेंस निकल जाता थाने का। मजाक कर रही हैं आप? हमारी मैडम मजाक से समझदार लोगों के साथ करती है। उड़ाया उड़ाया, मजाक उड़ाया आपका। देखिए बुलबुल पांडे जी, अगर आप इधर उधर का बात छोड़ के मुद्दे की बात पे आएंगे ना, तो इससे आपका और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। कुछ FIR का बात कर रहे थे आप। देखिए, एरिया गोमती नगर हमारे थाने के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो अगर वहाँ पे कोई भी वारदात होती है, कोई भी कांड होता है, तो उसका रिपोर्ट हमारे क्षेत्र के थाने में लिखा जाता है, हमारे, और उसका छानबीन करना हमारा ड्यूटी है। हमारा। आपने ना वो केस लिया, बल्कि आनन फानन में शरीफ लोगों पे राशन पानी लेके चढ़ गई, ये गलत बात है। सही बात, मतलब आप सही सर, आप सही है। तो ना, मतलब कोई वैल्यू वैल्यू है कि नहीं आपकी नजर में कायदा कानून का? नहीं। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है पांडे जी कि आपका बात बिल्कुल सही है, पर चक्कर का आना कि अगर आपने उसका रिपोर्ट लिखा होता राधे का, अगर आपने उसकी समस्या को थोड़ा तवज्जो दिया होता ना, तो आज हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे होते। राधे किशन, इधर आइए। यही है ना, वो यही आए थे आपके पास रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन आपने उन्हीं का ही गलती बता के उनको वहां से भगा दिया। अरे भगा नहीं दिया था भाई, थोड़ा सा समय मांगा था हमने छानबीन के लिए, क्या सामने वाले पार्टी का बात भी तो सुनना पड़ता है ना। माफ कीजिएगा बुलबुल जी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पीछा छोड़िए इस केस का, ये केस हमारा है। देखिए, अभी तो हम आपको समझाने आए हैं, लेकिन अगर आप ना समझे तो आप दोनों का कंप्लेंट ऊपर तक जाएगा। ये केस वापस नहीं होगा, क्योंकि केस आपके पास आया था लेकिन आपने कार्रवाई नहीं किया। अब फरियादी हमारे पास आया न्याय मांगने, तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उनको न्याय दिलाएं। समझ गए आप? जी 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 जी। इतनी भयंकर बेइज्जती, वो भी सीधा मुंह पे, और वो भी एक औरत के हाथों। सर, मैं होता ना तो चापाकल में कूद के जान दे देता। अब, मतलब मैं होता तो अरे हर चिपकली को लगता है कि वो बड़ी होके मगरमच्छ बनेगी। अरे कभी आइए हमारे थाने में, देखिए वहां पे आके कितने बड़े बड़े केस आते हैं। आपकी तरह यहाँ बैठकर घरेलू झगड़े नहीं सुलझाते, हम काम करते हैं, बड़ा काम। देखिए, आप ये महिला पुलिस थाना चलाती हैं, चलाइए, छोटे मोटे केसेस सॉल्व करिए, महिलाओं की समस्याएं सुलझाएं। क्यों किसी के फटे में टांग डाल दी हैं आप? बुलबुल बहुत चहक रहा है, तू तेरी चोट टूट जाएगी। अरे छोड़िए ये केस, हमको हमारा काम करने दीजिए। और आप हमें हमारा काम मत सिखाइए SHO बुलबुल पांडे। इस महिला पुलिस थाने की नींव रखी गई थी पुलिस की छवि बदलने के लिए, क्योंकि जो संवेदनशीलता एक मेल पुलिस ऑफिसर नहीं दिखा पाता, वो एक औरत दिखा सकती है। जज्बातों से केस को हैंडल कर सकती है, जो आपको करना चाहिए था राधे के केस में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि राधे के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, फिर भी
आप उसका साथ देने की बजाय यहाँ आ गए हमें रोकने के लिए। देखिए बुलबुल पांडे, ये महिला पुलिस थाना है लोगों की मदद करने के लिए जज्बातों के साथ, और अपना काम हम करके रहेंगे। आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। सुन लिया या और सुनना बाकी है? माफ कीजिएगा सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम ये कहना चाहती हैं कि आप इतना जलील हो चुके हैं और होना है तो बोलो। सर मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ये केस हमारा है, हम भी देखते हैं कौन ये केस हमारे हाथ से लेता है। मैडम सर आप ना ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो बुलबुल पांडे है ना उसको ना मिल के सबक सिखाएंगे हम लोग। भिंडी का सब्जी है, खाइए मैडम। भिंडी फेवरेट है हमारी। मैडम जी हम मैं निकलता हूँ। अरे आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं नहीं मैडम जी धन्यवाद, वो क्या है कि मेरा बेटा मेरी राह देख रहा होगा, वो मेरे बिना सोता नहीं। बच्चे का नाम सोचे? अभी तक तो सोचा नहीं, सोचते? सोचो सोचो, हम भी सोचते हैं। और टेंशन मत लो, तुमको तुम्हारा नौकरी कल वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते। पापा। संतु जी आप तो माँ बनेंगे ना, और पापा तो कोई और बनेगा, मतलब जाओगे कि नहीं चुपचाप पीछे? मुझे अपने पापा की याद आ गई, वो भी ना मुझे ऐसे प्यार से थपथपा कर लोरी गाकर सुलाते थे। इतना ज्यादा प्यार करते थे पापा? मुझे सुलाए बिना कभी उनको नींद नहीं आती थी। तो कौन किसको सुलाता था, वो आपको या आप उनको? ओ आपकी बातें सुनकर मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरे पापा भी ऐसे रात भर जाग कर, वो भी तुमको ऐसे थपथपा के सुलाते थे? चोरी करते थे, तब जाके हमारा पूरा परिवार दो वक्त की रोटी खा पाता था। 5-स्टार में डिनर कराते थे वो हमें। मैं रात भर गली के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर चाकू को धार लगाते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तभी जाके मैं इतना महान चोर बन गया। बहुत ही संघर्ष, बहुत ही स्ट्रगल किया मैंने। हाँ हाँ पापा कहाँ है? किसके? तुम्हारे, मतलब यहाँ पर तो पापाओं का ही बात चल रहा है ना। हाँ हाँ पापा पापा, मैं अपने पापा के कंधों पर बैठकर सारी दुनिया देखे हो। दीवार भांगते थे, घर में घुसते थे, ताला तोड़ते थे, जो कुछ सिखा है उन्हीं से सिखा है। पापा की बहुत याद है। पापा डैडी पिताजी। अरे एक मिनट, ज्यादा चिल्लाओगे ना ऐसा नहीं ऊपर से आ जाएंगे नीचे, बस हो गया। और तुम्हारे बाबूजी? पापा के मामले में इतना भाग्यशाली नहीं है बिल्लू यार, जब तक इस वक्त पापा का मतलब समझ पाते ना, पापा हमारी जिंदगी से जा चुके थे। क्या है ना कि एक बार हमारे गांव में ना इससे बहुत भयंकर बाढ़ आया था, बहुत लोग डूब के मर गया था, और उसी बाढ़ में सबको बचाते बचाते आखिर में हमारे बाबूजी का भी देहांत हो गया। एक बार ना हम सारा फैमिली वाले लोग मिल के ना इसे मेला देखने गए थे, 5 साल के थे, अपने बाबूजी के गोद में इसे चढ़े हुए थे, हम सब लोग मिलकर ना एक फोटो खिंचवाए थे। अब याद के नाम पर बस वो तस्वीर है। वैसे मैडम सर आपको पता है हमारी अम्मा कहती है ना कि हमारे बाबूजी ने एकदम बिल्कुल ऐसे डैशिंग टाइप थे, हैंडसम टाइप, और ये भी कहती है कि हम जो है ना बिल्कुल अपने बाबूजी पर गए हैं, एकदम हीरो टाइप से एकदम। ए पगले, अरे तेरा दिल रखा होगा, ऐसा सच में कुछ नहीं है। और करिश्मा मैडम आपके फादर? हमारे फादर नायक है हमारी स्टोरी के, जैसे सबके पिताजी होते हैं अपने बच्चों के लिए रियल हीरो। सब ना बहुत विरोध कर रहे थे जब हम फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, सब कह रहे थे कि लड़की है फोर्स की ज्वाइन करवा रहे हो, लड़कियां तो होती है दूसरों का वंश आगे बढ़ाने के लिए, ये लड़कों का काम है, लड़कियों को घर संभालना चाहिए, उनको बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन हमारे पिताजी एकदम डटे रहे, ढाल बनकर हमारे और दुनिया के बीच खड़े रहे, जब तक हमने ट्रेनिंग पास कर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर ली। हमारे लिए तो हमारे पिताजी सुपर हीरो है। बहुत मिस करते हैं हम उनको।
हमारे अब्बा कांस्टेबल थे, हमें बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि एक दिन बड़ा अफसर बन के हम वर्दी पहनकर उनके सामने आए और वो हमें सल्यूट करें। लेकिन उनका सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही एक पुलिस मुठभेड़ में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जाते जाते वो अपनी रूह हमें दे गए इस वर्दी में। जब भी ये वर्दी पहनते हैं तो लगता है कि हमारे अब्बा हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। पता है वो बच्चे बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप उनके लिए सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर पाते हैं। वरना आज के ज़माने में अब भी कितने सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना तो सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, उसमें पिता क्या करेगा। उसका तो काम है सिर्फ पैसे कमाना और घर की ज़रूरतों को पूरा करना। इसी सोच को हमें बदलना है, ये साबित करना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश में सिर्फ माँ ही नहीं एक पिता का भी बहुत अहम योगदान होता है। और ये काम हम करेंगे राधे का केस सॉल्व करके। जी मैडम सर। फिलहाल के लिए खाना खाते हैं? हाँ बहुत भूख लगा है। टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है। तुम खाओ, मैं सिर्फ देखूंगा। अरे खाओ यार बिल्ले तुम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष। हमने जो आपसे केस फाइल मांगी थी वो कहाँ है? मैं यहीं पे रखी। हम ले लेते हैं, इट्स ओके। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। अरे वाह आपने मेहंदी लगाई। जी हाँ, वो कल करवा चौथ है ना और पुष्पा जी चाहती थी कि हम मेहंदी लगाए तो लगवा लिए। सूख गई है बस, हम उसको धोने ही जा रहे थे। एक मिनट, पुष्पा जी आज आ रही हैं? जी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ हमारा फोन, संतु हमारा फोन बचा, निकालना पॉकेट से। नहीं नहीं संतु आगे वाले पॉकेट में, ये इधर संतु, ये राइट में। कोई अननोन नंबर है कहीं? कहीं मानव तो नहीं? उठाओ उठाओ। हेलो, स्पीकर पे डालो, सॉरी। हेलो। हाँ जी मैडम, बुलबुल पांडे दिस साइड। हाँ बोलिए, कैसे याद किया? वही केस के बारे में पूछने के लिए। वापस ले रही है ना आप? आपको क्या लगता है हमारा जवाब इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा? हम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और तुम कौन होते हो हमको इस केस से रोकने वाले? ठीक है फिर उन्हीं से बात कर लीजिए जो आपको रोक सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक जी, हमारी बात बुलबुल पांडे से हो चुकी है और हम ये केस उन्हीं को दे रहे हैं। अरे दे क्या रहे हैं, दे चुके हैं। अब से राधा किशन वाला मामला बुलबुल पांडे जी ही देखेंगे। अरे हम सब जानते हैं कि बुलबुल पांडे कितने काबिल ऑफिसर हैं और ये केस उन्हीं के थाने के रेंज में आता है तो हैंडल भी तो उन्हीं को करना चाहिए ना सर। सर पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इसीलिए तो केस दे दिया उन्हीं को। ठीक है ये हमारा फाइनल डिसीजन है, अब इस केस में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, इस केस को बुलबुल पांडे जी ही देखेंगे। इट्स एन ऑर्डर। देखिए अभी फोन रखिए, हमारी सब्जी ठंडी हो रही है, हमें खाने दीजिए। सुन लिया, भूल जाइए ये केस। हे भगवान, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम जिस मकसद से बुलबुल पांडे के पास गए हैं उन्हें उनके मकसद में सफल करा दें। संतु जी एक मिनट। संतु जी क्या है कि हसीना मैडम और करिश्मा मैडम ना बुलबुल पांडे से केस को ना वापस लेने गई हैं। और क्या लगता है आपको ये चीज इतना आसान है? हमको तो संभव नहीं लग रहा है संतु जी। संतु जी आप प्लीज रोइएगा मत। संतु जी प्लीज हौसला रखिए, आप रोइएगा मत। संतु जी आप रोइएगा तो हमको भी रोना आ जाएगा। संतु जी जो चीज आई है इस दुनिया में वो एक न एक दिन चली ही जानी है। संतु जी ये तो जिंदगी का रीत है, यही सच्चाई है।
अब आपके ऐसे रोने से, हमारे से छाती पीट के हाय हाय करने से गई हुई चीज वापिस तो नहीं आ सकती ना संतु जी। कौन? समझिए, हम लोग को ये सब चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइए चलिए अंदर चलिए। बदनाम भाई, ये चिता क्या बोल रहा था, कौन निकल गया? अरे अस्पताल में तो पुष्पा जी थी। पुष्पा जी? अरे नहीं, पुष्पा जी कैसे गोलगप्पे जैसी थी, पिचक गई? नहीं, अरे हमारे चाय की उधारी बिना दिए निकल गई। पुष्पा जी करिश्मा मैडम झगड़ा किससे करेंगी? पुष्पा जी बहुत बढ़िया सर, किराई है सर, किराई है सर, एक प्यार है, इतना टाइम लगता है। और सर, और जोर से सर, और जोर से सर, और जोर से सर, ताकत लगाओ सर, ताकत लगाओ, और जोर से सर, और जोर, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ सर, और जोर से, और जोर से सर। बेईमान, घटिया, वाहियात आदमी। अरे सर, ऐसा आपके बारे में वो सामने वाले सोच रहे होंगे, आपने कंधा का सहारा लेकर खुला बेईमानी किया ना। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, जीतना जरूरी है, कैसे जीते वो जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया जीजा जी, आइए 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 आइए, और एक चाय लेके आओ, और एक, और ठंडा बोल, ठंडा बोल, चाय पियेंगी, ठंडा पियेंगी मैडम। स्वागत है आपका हमारा इस पुरुष पुलिस थाने में। सो आखिरकार आप जीत ही गए, आपको केस मिल गया। हम दरअसल आपको बधाई देने आए थे, मानना पड़ेगा पक्के खिलाड़ी, पूरी शिद्दत से खेलेंगे, पर अफसोस आपने हमें मायूस कर दिया। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही? ये कहना चाह रही है कि जो पक्के खिलाड़ी होते हैं उनके पक्के रूल्स होते हैं, वो चीटिंग नहीं किया करते, अपने दम पर अपना नाम करते हैं। हमने कौन सा चीटिंग किया आपके साथ में? डीएसपी की चापलूसी करके डिसीजन अपने फेवर में ले लेना, ये चीटिंग नहीं तो और क्या है। हाँ, अगर आप अपने दम पर कुछ करते तो हम सोचते वाह पांडे जी में कोई बात है, वो डिजर्व करते हैं। देखिए, हमको जरूरत नहीं है आपके सामने अपना काबिलियत प्रूव करने का, आपको जितना भी चाहिए हो हल्ला मचा लीजिए, औरत और मर्द के बराबरी का। लेकिन ये बात सच है कि हम मर्द आप औरतों से ज्यादा सक्षम है, ज्यादा बेहतर है, कोई बराबरी नहीं है हमारा। नहीं, जो भी हो, मतलब एक बात मानना पड़ेगा कि आप ना दोगले बिल्कुल नहीं है, जो सोचते हैं वही आप कह देते हैं। अब अगर आपको अपने सक्षम होने पर, औरतों से बेहतर होने पर इतना ही विश्वास है तो साबित करके दिखाइए, और अगर नहीं है आपके बस की तो अभी बोल दीजिए कि भाई हमारे बस का नहीं है, हम नहीं साबित कर सकते हैं, औरतें मर्द जितना ही सक्षम होती है। सर, उकसा रही है, कुछ मत बोलिएगा, बिल्कुल मत फंसिएगा। तो ये मेहंदी वाले हाथ हमारा मुकाबला करेंगे? इन मेहंदी वाले हाथों की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी आपको। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आजमा के देख लीजिए, क्या बोलते हो जाए एक मुकाबला, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। जाल है सर, जाल है, पूरा जाल है। मुकाबला? कैसा मुकाबला? वो आप डिसाइड करें, जैसा आप चाहें। लेकिन हाँ, एक शर्त हमारी भी है। मत पूछिए। कैसी शर्त? ये नहीं मानेंगे। शर्त ये है कि अगर आप जीत गए तो केस आपका, लेकिन अगर हम जीते तो केस हमारा। नहीं 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 नहीं, हाँ मत बोलिएगा सर, बिल्कुल हाँ मत बोलिएगा। मंजूर है। हो गया सत्यानाश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।